टाइम लगू मिटने नू सानू थले सिटने नू इक्की बारी जोर ला ले सही जना जे गल तोरी नी बड़ी लंबी सक्सेस दी स्टोरी नी नए दिन नई वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त करण, सामने हमारे फेवरेट हरि भैया और आपकी फेवरेट 3XO MX1 वेरिएंट। तो हरि भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। आज क्या दिखाने वाले अपने ऑडियंस को? एक्चुअली 3XO का MX1 वेरिएंट बेस वेरिएंट। सब कुछ करा अलॉय को छोड़ के बाकी सब कुछ किया इसके अंदर। मतलब सस्ते अलॉय तो लगा ही दिया अपने, सस्ते अलॉय लगा बाकी नहीं करा, बस सस्ते अलॉय लगा दिया अपने। मतलब खाली नहीं छोड़ी, कस्टमर खुश होके जाए। दूर से देखो एलोई लगते हैं भी ठीक है, डिजाइन ही ऐसा ही है। ये बात तो सही है। तो अगर हरी भैया फ्रंट से बात करें, क्या क्या करा आपने इस गाड़ी में? फ्रंट से करने के लिए कुछ नहीं होता भैया, ठीक है। मेन इसके अंदर एक फोग लाइट की कमी रहती है, ठीक है, वो लगी नहीं, वो कस्टमर की लीड नहीं थी, ठीक है। उसके बाद एक हेडलाइट में व्हाइट एलईडी की लीड रहती है, वो हमने इसमें करके दी है, अपग्रेड करी है, अपग्रेड करा है 220 वाट की। और अगर फोग लैंप की बात करें, क्या क्या वैरायटीज आती है, वेरिएंट आते हैं इसमें फोग लाइट में? जैसे मिंडा वगैरह के आते हैं 1400 रुपए वाले, ठीक है। बाद महिंद्रा का जेनुइन आता है, जेनुइन आता है, होती है 3200 रुपए, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टर होता है, ठीक है। डिफरेंट मतलब सारी वैरायटीज है अपने पास, कुछ अपने ऑन काउंटर हमेशा मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। एक बार एलईडी का आपको दिखा देते थ्रो कैसा रहने वाला है, चेक कर लो, आपको एलईडी का थ्रो चेकआउट करा देते हैं अभी। ये देखो, मतलब आपको थ्रो अगर मिलेगा एलईडी का प्रीमियम ही मिलने वाला, अच्छा खासा। अगर मीटर की बात करें, कितने मीटर की रेंज रहती है इसकी? तकरीबन 200 मीटर की रेंज है, इजीली कवर करेगी। मतलब अगर इन्होंने फोग लैंप नहीं लगाया फिर भी इनको मजा आने वाला है। दिन के टाइम अगर ब्राइट में भी इतनी प्यारी दिख रही है, रात में तो अल्टीमेट दिखने वाली है ना, ठीक है। और वारंटी गारंटी अपनी पूरी 2 साल की कंप्लीट, ठीक है। कहीं देखो इसमें अलॉय तो लगे नहीं, ये व्हील कवर लगे हैं। अगर अलॉय की बात करें, कितने इंचेस में अलॉय मिल जाते हैं हरी भैया? 16 में भी अवेलेबल है, 17 में भी अवेलेबल है, जैसा चाहिए कस्टमर को वो मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से रिकमेंडेशन कौन सी रहेगी? 17 वाली मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा वाइड में आ जाएगा, लुक भी अच्छी हो जाएगी ना। और नेक्स्ट टाइम से आपको ना यहाँ पे डिस्प्ले दिखेगा आफ्टर मार्केट। हाँ, ये अभी थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है दोस्तों, चेक कर लो जैसे कंप्लीट होगा ना। हाँ, इसमें आफ्टर मार्केट के ऑप्शन दिखेंगे आपको 16 में भी और 17 में भी। वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर कंपनी के लगाने हो कंपनी के लगा लेंगे, आफ्टर मार्केट लगाना आफ्टर मार्केट लगा लेंगे, अपने पास ऑन काउंटर मिलेगा, ठीक है। और क्या करा हमने साइड में रिपेयर? साइड में हमने एक डोर वाइजर लगाया है आफ्टर मार्केट, ठीक है। एक रूफ रेल लगाए हैं महिंद्रा का जेनुइन। उसकी पहचान क्या होती है रिवे, एक और बता दीजिए? पहचान यहाँ से होती है भैया, टेल लाइट। अच्छा, जैसा इसका सेम फिनिशिंग दोनों एक जगह मिलने वाले प्रॉपर, ठीक है। और क्या हुआ है? और इसके बाद बाहर से कुछ नहीं हुआ, अपने पास ऑप्शन होता है लॉर्ड गार्निश का, ठीक है। अपने पास ऑटो फोल्ड का ऑप्शन होता है, जो भैया ने नहीं कराया नहीं करवाया। साइड बिल्डिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। क्रोम का भी ऑप्शन होता है, बट क्रोम हम खुद ही सामने से सजेस्ट नहीं करते। ओके, वो क्या रीजन, क्या ब्लैक पड़ जाता समथिंग पानी पड़ने के बाद तो काले पड़ जाते हैं? मेरे ख्याल से व्हाइट रहना ज़्यादा डिसेंट है ना, अच्छी भी लगती है पूरी। ये हम इसलिए सजेस्ट करते हैं कि महिंद्रा का जेन्युइन प्रोडक्ट आता है और जेन्युइन की क्वालिटी एक नंबर होती है, जेन्युइन एक नंबर होता है, ठीक है। आफ्टर मार्केट हम सजेस्ट करते ही नहीं इसमें, ठीक है। और डैम्पिंग वगैरह भी नहीं? डैम्पिंग वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है, ठीक। और क्या क्या करा रिव्यू? राइट अभी चल नहीं रहा, लेफ्ट इंडिकेटर दोगे लेफ्ट चलेगा, राइट दोगे राइट चलेगा, इधर दोगे उधर चलेगा। इंडिकेटर, ब्रेक, पार्किंग, तीनों मोड ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। और अपना ये लगा कनेक्टिंग टेल लाइट, लगा है इसके बिना तो मेरे ख्याल से 3XO जाती नहीं है यहाँ से, है ना। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, चेक कर लो, ये आपको हमेशा मिलेगी। आरबी कार डेकोर की एक खास बात ये है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे को अच्छी लगती है कि ये किसी सिंगल पर्सन को अगर ये भी चाहिए तो वो भी दे देते हैं। आप सिर्फ टेल लाइट लेने मेरे पास आ सकते हो, तो इसका रीजन जान लेते हैं कि आप दे सकते हो, बाकी दो चौपल नहीं देते, उसका रीजन क्या है? ले लिया। और हम एक्चुअल रेट देते हैं, एक सिंगल पीस चाहिए तो भी हमारा वही प्राइस है, अगर आपने वर्क पूरा करवाया तब भी हमारा सेम प्राइस है। तो ये बेस्ट चीज है इस आरबी कार डेकोर की। अगर आपको टेल लाइट भी लेनी है, कनेक्टिंग टेल लाइट, वो भी मिल जाएगी। लाइट लेनी है आप कोरियर मंगवाओ, शॉप पे आओ, एंड टू एंड लगवा के जाओ। क्या रहने वाली कॉस्टिंग इसकी? 6500। और वो 3000-2000, इट मीन्स की आप बेस्ट शूट ऑफ कराओगे तभी आपको वो मिलने वाली है, अदरवाइज वो आपको नहीं देंगे, ठीक है। और क्या क्या करा रही है? ओएम, ठीक है, ओएम प्लेसमेंट वाला कैमरा हो गया, एचडी क्वालिटी होगा, ठीक है। और कुछ लगा डिक्की में?
चेक कर लो, प्रॉपर पार्सल ट्रे लग चुकी है अपनी। बॉडी कवर हमने दिया, बॉडी कवर गया है, अल्ट्रा ऑडियो सिस्टम सारे ये रख गए। ऐसा सब पियानो के प्लेट चेंज हुए हैं। ओके देखो, ऐसा सब कुछ आता है अपना कंपनी से और ये लगा दिया हरिप्रिया ने। अब लुक चेक करो, करो कितनी प्रीमियम लग रही है गाड़ी, मतलब सारा चीज मिलने वाली है अपने पास, है ना? 300 की मजेदार आइटम मिलता है इसके 300 में, जो भी चाहिए जो कस्टमर की नीड है पूरी होगी। अब सारा इंटीरियर में हुआ है, चलो इंटीरियर में देख लेते हैं दोस्तों। भी तो लगा है। अच्छा चेक कर लो, तो भूल ही गए हम, रूफ रेल के साथ स्पॉइलर भी इसमें अपग्रेड हुआ है, फुल ग्लॉसी पैनल में है, ब्लैक ग्लॉसी, ये आपका मार्केट है। इसमें लाइट वाइट भी आती है, लाइट वाला भी आता है, जेन्युइन आता है, वो लाइट वाला होता है, ठीक है, सेंटर पे। ओके तो दोनों लाइट, फिर ये भी लाइट रह जाता है और ये भी रह जाता है, तो इससे बेटर आफ्टर मार्केट लगाओ, लुक भी अच्छी लगती है। आफ्टर मार्केट में फायदा ये है कि इसमें आपके बॉडी पे होल नहीं होता, प्रॉपर फिटिंग वही आएगी, प्रॉपर फिटिंग आएगी, जैसा उसका स्टाइल बना हुआ है वैसा सेम टू सेम होगा, ठीक है, और आपकी बॉडी में होल नहीं होगा। ओ, ये खास बात है, ठीक है गाइस। देखो अगर आपको सारी चीजें हम दिखा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग प्यार से बता रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए आपको काम कहाँ कराना चाहिए, कहाँ नहीं कराना चाहिए। जेन्युइन भी आपको चाहिए तो हमने अपने पास अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए जेन्युइन, बॉडी कलर से सेम मैच हो के जेन्युइन मिलेगा, वो भी मिल जाएगा। व्हाइट बॉडी है तो व्हाइट मिलेगा, ब्लैक बॉडी है ब्लैक मिलेगा, ठीक है, ब्लू बॉडी है तो ब्लू मिलेगा। ओके तो अपने पास सब अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल, ठीक है। और क्या क्या करा रही भैया अंदर से, अंदर से बात करें तो एक बार यहाँ से हरिभैया के साथ चलते हैं, खोलिए हरिभैया, गाइस चेक कर लो, ओपन करते हैं, ठीक है। पियानो प्लेट, वाओ, जो बिल्कुल बटन से मैच होता है, क्योंकि कंपनी ये बटन देती है पियानो और ये देती है मैट में, ठीक है। ये मैट हमने आपको, ये चेंजिंग पार्ट है, रिप्लेसमेंट वाला चेंजिंग पार्ट है, ठीक है, डायरेक्ट वो निकलेगा, ये लग जाएगा जैसे हमने डिक्की में देखा था अपना बोला, ठीक है। उसके बाद एक एम्बियंस लाइट लगाया है, गाइस फिनिशिंग चेक कर लो, प्रॉपर आपको फिनिशिंग मिली है, कहीं से भी आपको आउट नहीं मिलने वाला। 300 में एम्बियंस लाइट बड़ी प्यार से लगती है ना, बिल्कुल, ठीक है। अपने पास आरसी लीवर का ऑप्शन होता है, जो कस्टमर ने नहीं करवाया वो भी मिल जाएगा, अपने पास यहाँ सॉफ्ट टच का ऑप्शन होता है वो भी नहीं कराया, जो कस्टमर ने नहीं करवाया है वो भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ एक वेलकम लाइट का ऑप्शन होता है, जो दिखा रखा है कहीं भी, लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था, उसमें वो कस्टमर की नीड नहीं थी, ठीक है। फ्लोरिंग हुई है, इसमें दिख रही है, फ्लोरिंग हुई है, चेक कर लो दोस्तों, आपको फ्लोरिंग मिलेगी प्रॉपर वाली, ऊपर लग गया 70 मैट, ये प्रॉपर है, आप देख सकते हैं लीवर कटिंग के साथ मिलने वाला आपको, यूनिवर्सल होता है, लीवर की कटिंग नहीं होती है ना हरिभैया, बिल्कुल लीवर कटिंग है, इट मीन्स कि आपका ये प्रॉपर वाला मैट आपका लगा है। और आज तो सीट कवर भी है दोस्तों, चेक कर लो एक बार फिनिशिंग, फिर हरिभैया आपको बताएंगे अच्छे से, पूरी फिनिशिंग चेक करो आपको प्रॉपर मिलने वाला। तो बताइए हरी भाई, क्या वारंटी वगैरह क्या रहती है अपनी? वारंटी तो 5 ईयर होता है, ठीक है। फिटिंग एंड फिनिशिंग चेक करो पहले, चेक करो दोस्तों। ये हेडरेस्ट फ्री दिए, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बात है दोस्तों, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाले हैं, दोनों हेडरेस्ट चेक कर सकते हैं, अच्छा खासा नेकरेस्ट बोल सकते हैं, सॉरी मैं हेडरेस्ट बोल रहा हूँ, आर्मरेस्ट में आप देख सकते हैं, इसमें कपड़ा नहीं चढ़ा, कंपनी ने यही रखा है, कस्टमर ने यही रखा है, ठीक है। अगर ये इसके साथ मैच रहता है, अच्छा इस वजह से चेंज नहीं करा, चेंज होता या ये सॉफ्ट होता तो इसके साथ हम वो भी करके देते, तो बिल्कुल एक कॉम्बो बन जाता, मतलब आपने डबल टोन में गाड़ी को रखा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। स्टीयरिंग कवर लग गया प्रॉपर, स्टीयरिंग कवर लग गया है, ठीक है, स्टिच के साथ, ओके नाइस स्टाइल पूरा, ठीक है। स्टीयरिंग कंट्रोल भी लगा, स्टीयरिंग कंट्रोल लग गया है, चेक कर लो प्रॉपर, चेक कर सकते हो, बिल्कुल वर्किंग चल रही है हरी भैया। स्टीरियो लग गया अपना, स्टीरियो लग गया है डायमंड वाला, ठीक है, मैं एक बार उधर से आता हूँ, गाइस चेक कर लो प्रॉपर, आपको डायमंड स्टीरियो मिलने वाला, ट्रेंडिंग वाला, मतलब इसमें वैरायटीज वगैरह और भी आती होगी, कई वैरायटीज आती हैं भैया, इससे बड़ा भी आता है, ठीक है, साइज में भी आता है, नॉर्मल भी आता है, मतलब सारे सारे मिलने वाली है, वो कस्टमर आएगा तो उसको सब दिख जाएगी ऑन टेबल, जो उसको लगवाना वो लगवा लेगा, बिल्कुल, ठीक है। चेक कर लो प्रॉपर फिटिंग है, ये देख सकते हैं नोब आपके दोनों वर्किंग रहने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नंबरिंग भी चल रही है प्रॉपर तरीके से, क्वालिटी चेक करो कितना स्मूथनेस रहने वाला है, कारप्ले भी है ना, हाँ जी कारप्ले हो, विद कारप्ले के साथ मिलने वाला, वायर्ड वायरलेस। स्पीकर कंपोनेंट की बात करें क्या लगा रही है, आगे JBL का कंपोनेंट है, पीछे JBL के कॉइल है, ठीक है। ट्विटर के प्लेसमेंट तो यही पे करी होगी, हाँ जी अंदर ही, बाहर कुछ नहीं दिखेगा, ये बात फिनिशिंग है, मतलब डोर पैनल में ऑप्शन दे रखा है, इसी में ट्विटर की हो गई, मतलब फिनिशिंग वाला प्रॉपर है, प्रॉपर जो इसकी जो चीज जहाँ नीड है ना उस चीज को वहीं रखा गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है गाइस चेक कर लो। फ्रेम आपको ग्लॉसी पैनल वाला मिलने वाला, आप इससे मतलब, पूरा मैच होगा, मतलब मैट यूज ही नहीं करते हरी भैया, ठीक है। यही मॉडिफिकेशन हुई हरी भैया, यही मॉडिफिकेशन हुआ है इसके बाद, हाँ एक मेन चीज हुआ है, मेन चीज दिखाओ जो हम कोटिंग के साथ करते हैं, जो कोई नहीं कर रहा, ये लो सेंटर लो, इसकी ना कोई वायर ना कोई वायर का झंझट, डायरेक्ट सेंटर लॉकिंग है कोडिंग के साथ, कोडिंग के साथ,
और इसमें वो सीन भी नहीं है कि 3 साल वारंटी, 2 साल वारंटी, 1 साल वारंटी है, वायर है ही नहीं, कुछ खराब होना ही नहीं। ये बात कोडिंग के साथ है, प्रॉपर कोडिंग के साथ, प्रॉपर महिंद्रा की चाबी के साथ। गाइस चेक कर लो, इसमें भी महिंद्रा की वेजिंग होगी अंदर, ये चीज लोगो भी होगी और इसके अंदर महिंद्रा की वेजिंग भी होगी। अच्छा अंदर भी है क्या? गाइस चेक कर लो अगर आपको दिख रही है तो, मेरे को तो दिख गई भाई, मतलब ये देखो दिख गई गाइस, क्या बात है हरी भाई, मतलब प्रोफेशनल वर्क है बिल्कुल प्रॉपर। हरी भाई अगर ऐसा काम कराना आना गए दिल्ली करोलबाग आरबी कार डेकोर पे, ठीक है गाइस, तो पूरी मॉडिफिकेशन देख ली, कंप्लीट मॉडिफिकेशन हरी भाई ने आपको ईच एंड एवरीथिंग देता है ये धीरे धीरे, कि आपको पता लग जाए कि कहाँ काम कराना चाहिए, कहाँ नहीं कराना चाहिए, कहाँ कॉस्ट कटिंग होती है, कहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि बात है ना। तो आप चलते हैं कस्टमर के पास, उनसे लेते हैं रिव्यू, उनको काम कैसा लगा, फिर करेंगे हम वीडियो को एंड। ठीक है, कस्टमर एक बार इनसे रिव्यू ले लेते हैं, इनको काम कैसा लगा। तो कैसे हो भैया? भैया कहाँ से आए हो? मैं तेलंगाना से। तेलंगाना से। तो कैसे पता लगा आपको आरबी का डेकोर का? देखो मैं प्रीवियस वीडियोस बहुत देख चुका हूँ इसमें, ठीक है, जैसे मैं गाड़ी लूंगा सबसे पहले इसी में, क्योंकि जो वेराइटीज है ना, हाँ? तो सबसे पहले मार्केट में आता है तो सबसे पहले इन्हीं के पास आता है कि भैया डेकोरेट करके, मतलब वो शो करते हैं कि वीडियोस में कि सबसे पहले यही है, ठीक है। बाकी जब देखता हूँ तो सारे वीडियोस बाद बाद में फिर आते रहते हैं कि ये जैसे कोई भी सामान हो ना का, तो सबसे पहले इन्हीं के पास होता है, ठीक है, देखते रह गया। लेकिन गाड़ी मेरा बहुत वेटिंग पीरियड के बाद मिला, ओके, तो भी मेरा तेलंगाना से नहीं मिला, ठीक है, लेकिन गाड़ी मिला पंजाब से। अच्छा पंजाब से लेके आया? पंजाब से, ठीक है, पंजाब से लिया, ओके, मैं आते समय दिल्ली में भैया के पास आ गए, ठीक है, पूरा मॉडिफिकेशन करा के फिर अपना तेलंगाना में जाऊँ। तो वर्क कैसा लगा आपको इनका? नेचर कैसा लगा? मजेदार, मतलब जितना टाइम था आपका अच्छा कटा, मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि ऐसी जगह मजा ना हो, क्योंकि इतनी दूर से आप आए हो। वर्क भी जो भी इन्होंने काम करवाया बहुत साफ सुथरा से, मतलब ऐसे नहीं है कि जल्दीबाजी में इधर उधर, अच्छा एकदम नीटनेस। अगर आपको रिकमेंड करना हो, जितने लोग देख रहे हैं उन्हें रिकमेंड करोगे? बिल्कुल जी, कि डायरेक्टली आप इनके पास आ सकते हो। प्राइसिंग वगैरह बेस्ट थी? एकदम मस्त है, कि जैसे बोला ही नहीं है, जो बोलते हैं वीडियोस में ना, उनसे मेरे को बेहतर ही लगा यहाँ आके, मतलब वो स्कैम टाइप होता है, कहने का मतलब आप समझ गए हो। अगर आपको रेटिंग देनी हो क्या देना चाहोगे? 10 में से 10, क्या बात है, हरी भाई हैप्पी, ठीक है गाइस। आपने गाइस वीडियो देख ली, भैया का अच्छा था, रिव्यू देख लिया, अब चलते हैं घर पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।